नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेक्सी गुरुजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वैकेंसी और नोट्स की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक ये लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ पाएं। दोस्तों धन्यवाद। सबसे पहले तो दोस्तों रीट लेवल 2 एलिजिबल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों। जो कि फॉर्म दोस्तों 3 अगस्त से 23 अगस्त तक निकले हैं, तो 24 अगस्त को कट ऑफ आ जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप अभी से तैयारी कर दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको बनवाने हैं। तो दोस्तों 20 ही दिन मिले हैं फॉर्म भरने के, तो फॉर्म भी आप फटाफट से भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको तैयार चाहिए दोस्तों, और उसके कितने सेट बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो सारे जो डॉक्यूमेंट आपको ये लेवल फर्स्ट वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लेवल सेकंड का भी आना बाकी है पीडीएफ। तो जैसे ही पीडीएफ आएगा हम आपको प्रदान करा देंगे। सबसे पहले तो मूल आवेदन पत्र जो है वो आपको चाहिएगा, दूसरा है घोषणा पत्र और तीसरा शपथ पत्र। दोनों की जो पीडीएफ में ही दोस्तों आ जाएगा वो आपको सिर्फ बनवाना है। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट दोस्तों, बीएससी, बीए, बीकॉम की मार्कशीट, और इसमें दोस्तों बीएचटीसी दे रखा है लेकिन यह लेवल प्रथम वाला है इसलिए। बाकी आपको बीएड की मार्कशीट चाहिएगी दोस्तों, बीएड की मार्कशीट, और इसके साथ मूल निवास चाहिएगा दोस्तों, मूल निवास। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप टीएसपी से हैं तो टीएसपी का भी आपको जो मूल निवास बनता है वो देना है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे तो अगर शारीरिक विकलांग है तो विकलांग का जो प्रमाण पत्र आता है वो चाहिएगा दोस्तों। अगर विधवा की स्थिति में हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। तलाकशुदा हैं तो न्यायालय की डिक्री देनी होगी दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम से डिबार नहीं किए जाने संबंधित स्वघोषणा का प्रमाण पत्र भी देना है दोस्तों। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट भी देना होगा दोस्तों। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसका प्रमाण पत्र दोनों देने होंगे दोस्तों। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित जो भी सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज वो देने होंगे। संतान समग्र हैं दोस्तों तो संतान संबंधित शपथ पत्र भी आपको देना है। विवाह के समय दहेज लिया है आपने या नहीं लिया है उसकी भी स्वघोषणा आपको जमा करानी है। आर टेट अगर 2011-2012, रीट 2015-2017 का प्रमाण पत्र, जो कि आपको जल्दी ही साइट पे अपडेट करा दिया जाएगा दोस्तों, उसके धूम्रपान नहीं करने संबंधित स्वघोषणा और अन्य कोई दस्तावेज दोस्तों। रीट लेवल 2 का प्रमाण पत्र का जो सेंटर है दोस्तों, उसकी जैसी लिंक आएगी हम सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट करा देंगे दोस्तों। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों 4-4 सेट में तैयार करने हैं। कितने सेट? 4 सेट में दोस्तों, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों और आपका काम फटाफट हो जाए। बाकी एंड टाइम पर सभी जो अभ्यर्थी हैं वो फटाफट जल्दीबाजी में गलतियां कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप पीडीएफ में घोषणा पत्र और शपथ पत्र दोनों मिल जाएंगे दोस्तों। आपको वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के भरना है दोस्तों। सिर्फ लेवल 2 की जैसे ही पीडीएफ आती है दोस्तों, सबसे पहले चैनल पे अपडेट आपको करा देंगे, आपको लिंक दे देंगे दोस्तों, तो आप वहाँ से सीधा अपडेट करा सकते हैं दोस्तों। ऑडियो में अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मेरी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब चल रही है इसलिए दोस्तों थोड़ा ऑडियो में क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको समझ जरूर आ गया होगा दोस्तों। तो जैसे लेवल 2 की पीडीएफ आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करा देंगे दोस्तों। इसके अलावा भी एक पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा दीजिए, क्योंकि उसको बनवाने में ही लगभग 10-15 दिन लग जाते हैं दोस्तों। तो आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके जो रीड के साथी हैं उनसे भी वीडियो शेयर करें दोस्तों, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ हो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।